आप सबके घर के ही लगा हुआ है, बाबा जी के चरणों में आप सब हाजिरी के लिए पहुंचे हुए हैं। तो एक और इसी प्रकार से एक भजन जिसमें आप सब संगत बाबा जी का मेला लगता तो सारे ही दिखी दिखी कि सोहना लगता, क्योंकि बाबा जी का जरा स्थान है ना, दिल करने सारे संगत जी इतने जुड़ी दी है और इतने हाजरी लाने आती है, जे इस गल की मंगते हैं जरा उच्चा उच्च करी एक बार ताड़ी मारी के अपना Thank you.
Yeah.
स्वागत कर रहे हैं, ऊंचे हाथ करके तालियों से हम सब अभिनंदन करेंगे बाबा जी का, क्योंकि बाबा जी का एक अदना इशारा भी जो है वो भक्तों का कल्याण करता है। और जब बाबा जी खुद आकर के सबको आशीर्वाद दे रहे हो तब तो बात ही निराली है। हाथ सोनाली जी जो है देश विदेश में गा रही है, ये केवल हिंदुस्तान में नहीं हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करती है बाबा। और अब मैं फिर से सोनाली जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने मीठे सुरों की वर्षा जो है वो बाबा जी के इस दरबार में पुनः एक बार फिर करें। सोनाली आज वैसे बाबा जी ने सभी भक्तों को यहाँ मौका दिया हाजिरी का, लेकिन जो भक्त यहाँ नहीं पहुँच पाए और से ये दरबार में गुहार लगाई जा रही है वो क्या है? Thank you.
बाबा सामने बाबा जी, बाबा जी हमारे बीच में है, हमारे बाबा जी के बड़े लाडले और प्यारे श्री नंद किशोर जी जो कि भाजपा के सीनियर नेता हैं और उनके साथ नितिन जी स्टेट स्पोक्स पर्सन महाराष्ट्र से हैं, दीपक जी चेयरमैन शिरडी साईं बाबा से आए हुए हैं। आप सबका बाबा जी के पावन दरबार में बाबा है, बाबा जी की अनुकंपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। बाबा जी मंच पर आए हुए भक्तों का अपने दिल से आशीर्वाद देकर के कृतार्थ कर रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु बाबा जी के पावन दरबार में आए हुए हैं आप सबको बाबा जी की तरफ से साधुवाद है। हमेशा आप पर बाबा जी की अनुकंपा बनी रहे, हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बाबा जी की कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ सुना लीजिए आप फिर से जो जी आपने समा बांधा है, बस बांधे रखिए। बाबा जी का जन्मोत्सव है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुना लीजिए जी।
I'm gonna make you mine.